जय हिंद वंदे मातरम। प्यारे साथियों आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों राजस्थान में कृषि विभाग में भर्ती निकली है 2024। जी हां साथियों, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, आवेदन भी शुरू हो चुके हैं। महिला और पुरुष दोनों इसमें आवेदन कर सकते हैं। 18 से 40 साल एज है, अच्छी खासी नौकरी है, बहुत ही बढ़िया नौकरी है, कृषि विभाग में भर्ती निकली है साथियों। तो इसकी पूरी की पूरी जानकारी हम आपको देंगे। एज, योग्यता, चयन, वेतन, फॉर्म फीस, सारी की सारी चीजें क्लियर होने वाली है। लास्ट डेट कब है, फॉर्म फीस कब तक भरी जाएगी, सारी की सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। एक भी डाउट आपका नहीं रहेगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं स्क्रीन के ऊपर ही दिखाऊंगा और आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। आओ जी फटाफट से इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी को समझ लेते हैं, जो भी चीजें हैं क्लियर कर लेते हैं। ठीक है सब, आ जाओ। देखो राजस्थान कृषि विभाग भर्ती 2024 एग्रीकल्चर ऑफिसर की भर्ती निकली है, आरपीएससी के द्वारा बिना इंटरव्यू की भर्ती है। यानी कि जब हम आरपीएससी का नाम सुनते हैं तो ऐसे याद आता है कि साहब आरपीएससी तो इंटरव्यू लेगी, इसमें तो ऑफिसर की पदों की भर्ती है। ठीक है, जैसे आरएएस की भर्ती होती है तो इंटरव्यू होता है, लेकिन इसमें कोई किसी भी प्रकार का इंटरव्यू नहीं होगा साथियों, एग्जाम ही होगा सीधा आपका। ठीक है जी, बिल्कुल। आवेदन इसके शुरू हो चुके हैं, महिला पुरुष आवेदन कर सकते हैं। 21 अक्टूबर से इसके फॉर्म शुरू हैं और 19 नवंबर 2024 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। एज 18 से 40 साल है और छूट भी मिलेगी, राजस्थान के जो निवासी हैं उनको छूट भी दी जाती है। और ये साथियों जो भर्ती है ये स्नातक लेवल की भर्ती है। ठीक है जी, कोई भी साथी परेशान ना होवे, ये केवल और केवल स्नातक वालों के लिए ही भर्ती है। अगर कोई फाइनल ईयर में है, अपेयरिंग चल रहा है भाई, फाइनल ईयर में चल रहा है वो, तो भी वो फॉर्म भर सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है साहब, अब हम बात कर लेते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की कि साहब कौन कौन इसमें आवेदन कर पाएगा, कौन कौन नहीं कर पाएगा, क्या एग्रीकल्चर वाले ही फॉर्म भर पाएंगे क्या नहीं। भैया देखो, इसमें मैं आपको बताऊं, इसमें साथियों बीएससी वाले भी फॉर्म भर सकते हैं और तुम्हारे एमएससी वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है जी, पूरी चर्चा करेंगे। अब कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए बीएससी वाले एमएससी वालों में, तो हम बात करें। देखो चलो साहब फटाफट से एक बार मैं आपको ये नोटिफिकेशन जो है इसका थोड़ा सा अच्छे प्रकार से इसलिए पूरा नोटिफिकेशन दिखाऊंगा, ये तो इसलिए दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन हो जाती है आपको कि भाई इन पदों पर ये योग्यता होनी चाहिए तो फॉर्म भरें, इसलिए मैंने आपकी सुविधा के लिए ऐसा किया है। ठीक है जी, देखो ये भर्ती है, नई भर्ती है, विस्तृत रूप जारी हो चुका है, पूरा नोटिफिकेशन भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले डाउट्स होते हैं ना वो क्लियर कर लेते हैं। देखो साहब, इसमें है असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर 115 पद हैं। ठीक है जी, बिल्कुल साहब, ये तो 115 पदों पर निकली है। दूसरा है असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर ऐसे, इसमें केवल 10 पद हैं। ठीक है जी, तो ये जो पद हैं इनकी योग्यता यहां पर दे रखी है, जैसे पद का क्रम संख्या 1 और 2। अब 1 और 2 पद क्रम संख्या जो है वो ये रही, 1 और 2, असिस्टेंट ऑफिसर एग्रीकल्चर ऑफिसर और असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर ऐसे और एनएसए, इन दोनों पदों के लिए जो योग्यता रहेगी वो ये रहेगी। साथियों यहां पर देखो, आप बीएससी एग्रीकल्चर अगर आप हो तो आप आराम से इसमें आवेदन कर सकते हो बीएससी एग्रीकल्चर से। ठीक है साहब, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हो। अगर आप बीएससी हॉर्टिकल्चर से हो तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हो, ये योग्यता है इन दोनों पदों की। ठीक है जी, बिल्कुल क्लियर हो गया कि बीएससी एग्रीकल्चर से है तो फॉर्म भर सकते हैं या बीएससी जो हॉर्टिकल्चर से है तो फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है जी, इसी प्रकार से इन सब में है भाई, जैसे ये स्टेटिकल ऑफिसर में 18 पद है, एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर में 5 पद है, एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर एग्रीकल्चर बोटनी में 2 पद है, है ना, प्लांट पैथोलॉजी में, फिर ये एंथोमोलॉजी में, फिर ये केमिस्ट्री में, जैसे 8 नंबर पे है एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, तो 8 नंबर पे है, तो 8 नंबर की यहां पर देखो अब योग्यता। सेकेंड क्लास एमएससी केमिस्ट्री अगर आपके पास है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब ये एमएससी है अगर केमिस्ट्री है तो आप आराम से आवेदन कर सकते हैं। सेकेंड क्लास का मतलब होता है सेकेंड डिवीजन से पास। ठीक है जी, और अगर आप फाइनल में हैं तो भी आपको सेकेंड डिवीजन से पास होना पड़ेगा। ठीक है जी, 48 तो बना होगा, कम से कम होगा सेकेंड डिवीजन पास बस। तो ये चीजें हैं, सेकेंड क्लास का मतलब होता है सेकेंड डिवीजन से पास अगर एमएससी केमिस्ट्री से हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप सेकेंड क्लास एमएससी एग्रीकल्चर केमिस्ट्री से हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एग्रीकल्चर एमएससी
एग्रीकल्चर और केमिस्ट्री से हैं सेकंड क्लास तो भी फॉर्म भर सकते हैं, सोशल साइंस हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं। इस प्रकार से ये पद दे रखे हैं जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से बताए हैं। इनके पद जो है साथियों यहाँ पर सामने ही दिए गए हैं, ठीक है जी। इस प्रकार से ये जो है एग्रोनॉमी, इसमें 11 पद हैं, असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर, बोटनी, बोटनी में 5 पद हैं। अब 11 नंबर पर बोटनी है तो 11 नंबर पर बोटनी का योग्यता देखो, सेकंड क्लास एमएससी एग्रीकल्चर बोटनी वाले वो इसमें आवेदन कर सकते हैं, एमएससी एग्रीकल्चर बोटनी। फिर दूसरा है एमएससी एग्रीकल्चर इन प्लांट ब्रीडिंग, ये भी फॉर्म भर सकते हैं। अलग अलग यहाँ पर योग्यता दे रखी है। इसी प्रकार से 14 नंबर पर देखो पद 40 है इसमें, असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, 14 नंबर पर जो योग्यता है वो ये है सेकंड क्लास एमएससी एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, ये फॉर्म भर सकते हैं। सोशल साइंस है तो भी फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है जी। तो बीएससी के लिए तो 1 और 2 क्रम संख्या पद हैं, वो ही फॉर्म भर पाएंगे, बाकी तो एमएससी के पद हैं साथियों सारे के सारे, ठीक है जी। इसमें वेतन वगैरह भी अच्छा खासा मिलेगा, लेवल 11, 12, 14 इस प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। एज जो होगी साथियों 18 से 40 साल है, और इसमें पद क्रम संख्या 1 से 2 आयोग द्वारा वर्ष 2000 के पद क्रम संख्या 3 और 5 के लिए 2016-15 के लिए, ठीक है वो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज और दी गई है कि साथियों अगर आपकी जो एज है वो पद संख्या 3 से लेकर 9 तक 20 साल से 40 साल होनी चाहिए, ये चीजें मैं आपको दिखा भी दूंगा, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, आगे नोटिफिकेशन में हम देखेंगे। ये देखो पद क्रम संख्या 3 से 9 के लिए दिनांक 1/1/2025 को न्यूनतम 20 साल से अधिकतम 40 साल होनी चाहिए। तो 3 से 9 तक देखो भाई, ये रहा तुम्हारा पद संख्या 3 से 9 तक, इसमें एज आपकी 20 साल से 40 साल होनी चाहिए, 3 से लगा करके और यहां 9 तक 8, 7, 6, 5, 4, 3, ये इसकी जो एज होगी वो 20 साल से 40 साल होगी, और बाकी की जो एज है 1 नंबर 2 नंबर फिर ये 10, 11, 12, 13, 14 तक, इनकी जो एज होगी साथियों वो 18 से 40 साल होगी, और छूट सबको मिलती है उसी प्रकार से छूट होगी, ठीक है जी। ठीक है साहब, अब चलो हम फटाफट से इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक कर लेते हैं। आप सभी को पता चल गया होगा कि किस प्रकार से इसमें कौन कौन फॉर्म भर सकता है, बीएससी एग्रीकल्चर एंड एमएससी वाले भी, बीएससी वाले जो भी हैं पद मैंने आपको दिखाई दिए हैं उस प्रकार से आप इसमें आवेदन कर सकते हो। ये रहा पूरा का पूरा नोटिफिकेशन जो आप अच्छी प्रकार से समझ सकते हो, ठीक है जी। 115 पद इसमें है, 10 पद इसमें है, इस प्रकार से ये पद है जो आप आराम से देख सकते हो, ठीक है जी। सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी है, नोटिफिकेशन आप आराम से देख सकते हैं कहां पर मिलेगा, टेलीग्राम के ऊपर, आपको ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम पर आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, जहां पर आप अच्छी प्रकार से देख पाओगे, ठीक है साहब। अब देखो ये पूरी की पूरी योग्यता मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा रखी है कि क्रम संख्या 1 और क्रम संख्या 2 के लिए बीएससी एग्रीकल्चर वाले फॉर्म भर सकते हैं और बीएससी हॉर्टिकल्चर वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है साहब, ठीक है जी। अगली बात करें 14 नंबर पे सेकंड क्लास एमएससी एग्रीकल्चर केमिस्ट्री सोशल साइंस, ये भी फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। इस प्रकार से हर जगह पर ये अलग अलग योग्यता दे रखी है जो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दिया है। पे लेवल भी बहुत अच्छा खासा है, वेतन वगैरह भी अच्छा खासा है, एज की मैंने बताई दी 1/1/2025 को 20 साल से 40 साल किन के लिए है, पद क्रम संख्या 3 से 9 के लिए, जो 3 से लेकर 9 तक के, दोबारा दिखा देता हूं मैं आपको, है ना, क्लियर कर देता हूं आपके डाउट। 3 से लेकर 9 तक, जैसे ये है 3 संख्या 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये जो पद हैं इनकी जो एज रहेगी वो 20 साल से 40 साल रहने वाली है, इस बात का ध्यान रखना साहब, और बाकी के जो पद हैं उनकी एज 18 से 40 साल रहेगी, ठीक है साहब। ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, बिल्कुल छूट भी है, सबको छूट है। राजस्थान के एससी एसटी ओबीसी एमबीसी ईडब्ल्यूएस के जो पुरुष हैं उनको 5 साल की छूट है, जो महिलाएं हैं उनको 10 साल की छूट है, और जो सामान्य वर्ग की महिला है उसको भी 5 साल की छूट यहाँ पर दी जाती है, ठीक है साहब। बाकी सारी चीजें आप नोटिफिकेशन में देख ही लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है साहब। परीक्षा वगैरह का भी दिया नहीं है कि भाई कब तक होगी, एज वो आवेदन शुरू 21 अक्टूबर से शुरू है, 19 नवंबर लास्ट डेट रहेगी रात के 12 बजे तक, ठीक है साहब। वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, ओटीपी आपका आएगा, अगर आपने भर रखा है ओटीआर करवा रखा है तो आपकी फीस ही नहीं लगेगी, अगर भाई नहीं करवा रखा है तो आपके 600 रुपए 400 रुपए उस प्रकार से लगेंगे, जनरल ओबीसी के 600 रुपए लगेंगे, बाकी के 400 रुपए लग जाएंगे, ठीक है जी। और ओबीसी में भी नॉन क्रिमिलियर हैं उनके 400 ही लगेंगे।
अब ये तुम्हारा परीक्षा का वो है पेपर का सिस्टम, मैं बता दूं आपको, पार्ट ए और पार्ट बी दो पार्ट होंगे, जिसमें जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, और बाकी है ये कंसर्न सब्जेक्ट, यानी कि ये सब्जेक्ट के अनुसार, जैसे अब तुमने बीएससी से फॉर्म भर रहे हो, बीएससी बॉटनी है, एग्रीकल्चर है, किस प्रकार से आपका जो भी है सब्जेक्ट, उसके सब्जेक्ट के हिसाब से 110% 110 नंबर के आएंगे। टोटल 150% है, 150 नंबर के होंगे, 2.5 घंटे का समय होगा, और सब 1/3 रॉन्ग आंसर, 1/3 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपकी रहने वाली है, इस बात का भी ध्यान रख लेना। ऑप्शन 5 मिलेगा भाई, देख लीजिए, है ना, ऑप्शन 5 मिलेगा, 1 2 3 4 5, अगर आपको प्रश्न नहीं आ रहा है तो उसको पांचवा जो ऑप्शन होगा उसको आपको क्लिक करना होगा, 1/3 नेगेटिव भी है, ठीक है जी। अगर आपको उत्तर आ रहा है तो आप उत्तर दे दीजिए, उत्तर नहीं आ रहा है तो पांचवे गोले को भरना पड़ेगा आपको सब, ठीक है, खाली नहीं छोड़ने हैं, ठीक है जी। अच्छा, और ये सारी चीजें जो है आपको नोटिफिकेशन में दिख जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको सारी चीजें क्लियर कर दी हैं, ठीक है जी। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, ये भर्ती है जो आपके अगर काम की है तो आप फॉर्म भर दीजिएगा, आपके काम की नहीं है तो फॉर्म मत भरिएगा। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं, और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद जय भारत।